हेलो नमस्कार साथियों, मैं महेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री गोपाल ज्ञान में, जहां पर हम आपको यूपी बोर्ड की क्लासेस चला रहे हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन में एक अगला वीडियो टाइप 3 को लेकर मैं आ चुका हूं, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और देखते रहिए। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में जब सेंटेंस का कर्ता नॉन लिविंग हो, कल हमने इसी से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, जब सेंटेंस का डूअर नॉन लिविंग था, निर्जीव था। अब उसी से रिलेटेड एक और टाइप है, जब सेंटेंस का कर्ता नॉन लिविंग हो लेकिन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का लिखा हो, जहां नॉन लिविंग डूअर वो रिमूवल ऑफ टू एडवर्ब टू अनप्लीजेंट एडजेक्टिव और फोर करके यहां लिखा हो, मी हिम यू हर, फोर के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखा हो, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखा हो, तो किस तरीके से इसका हम रिमूव टू बनाएंगे देखते रहिए। और यहां पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जब हम इसका रिमूव टू बनाएंगे, रिमूव टू का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। अगर आपसे कोई कहे कि कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो यही इसका कॉम्प्लेक्स हो गया। पिछली बार बोर्ड की परीक्षा में यही सवाल पूछा गया, रिमूव टू, और वहां लिख के आ गया कि इसका कॉम्प्लेक्स बनाइए। आधे से ज्यादा विद्यार्थी गच्चा खा गए और समझ ही नहीं पाए कि क्या पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, इसी का नाम होता है रिमूव टू, इसी का नाम होता है कॉम्प्लेक्स, इसी का नाम होता है नेगेटिव। अब देखो, सबसे पहले नॉन लिविंग डूअर लिखा, उसके बाद वर्ब लिखी, और जैसा कि पिछले वीडियो में समझा कि टी डबल ओ टू को सो में बदल दिया, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का अनप्लीजेंट एडजेक्टिव फॉर, उसके बाद मी है तो आई। अर्थात अगर आपके सामने फॉर मी दिया जाता है तो आप सब्जेक्ट आई लिखेंगे, अगर फॉर हिम दिया जाता है तो आप सब्जेक्ट ही लिखेंगे, अगर आपके सामने फॉर हर दिया जाता है तो आप सी लिखेंगे, अगर आपके सामने कोई नाउन लिखा होगा, तो जी हां दोस्तों, हम वहां पर नाउन ही लिखने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको ये बात सिखाता हुआ चला जाऊंगा। जैसे कि लिखा है द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व, सवाल इतना कठिन है मेरे लिए हल करने के लिए, कि सवाल इतना कठिन है कि मैं इसे हल नहीं कर सकता हूं। सवाल इतना कठिन है, पहले क्या सीखा था कि सवाल इतना कठिन है कि कोई भी व्यक्ति इसे हल नहीं कर सकता, लेकिन अब यहां पर ये फ्रेज दिया गया है फॉर मी, मेरे लिए सवाल मेरे लिए कठिन है तो मैं ही नहीं कर पाऊंगा, सवाल अगर उसके लिए कठिन है तो वो नहीं कर पाएगी, सवाल अगर किसी बच्चे के लिए कठिन है तो वो बच्चा नहीं कर पाएगा, अगर सवाल किसी शिक्षक के लिए कुछ कठिन नहीं होता। तो आप इस बात को समझिए कि द क्वेश्चन इज टू के स्थान पर सो लिखेंगे, उसके बाद लिखा डिफिकल्ट। अब ये जो फॉर मी लिखा है, पहले दैट लगाइए, दैट कंजंक्शन को लगाइए, फॉर मी के स्थान पर यहां पर आई आ जाएगा। पहले वन लिखते थे, बी लिखते थे, नोबडी लिखते थे, नन लिखते थे, क्योंकि हम फॉर मी नहीं लिखते थे, अब फॉर मी लिखते हैं तो आई हो जाएगा, फॉर मी की जगह आई, फॉर हिम की जगह ही, फॉर हर की जगह सी, फॉर नाउन की जगह नाउन। आई या प्रेजेंट की वर्ब है तो कैन नॉट, उसके बाद सॉल्व, उसके बाद इट क्यों लिखा, पिछले वीडियो में डिटेल से सिखाया था। लिखा है ट्री इज टू हाई फॉर हिम टू क्लाइम, पेड़ इतना ऊंचा है टू हिम उसके लिए, वो नहीं चढ़ सकता। तो देखो यहां पर हमने लिखा था ट्री इज सो हाई दैट
फॉर हिम उसके लिए, तो ही यहां प्रेजेंट की वर्ब है तो कैन नॉट क्लाइंब। पेड़ इतना ऊंचा है कि वह नहीं चल सकता, काय पे नहीं चल सकता है, पेड़ पे नहीं चल सकता है, इसीलिए यहां इट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? इट लिखना पड़ेगा। इट ऑब्जेक्ट किसके लिए आया है? इस नॉन लिविंग वर्ब के लिए लिखा है द बॉक्स वॉज टू हैवी, बक्सा इतना भारी था, और दिस चाइल्ड इस बच्चे के लिए, टू लिफ्ट ये नहीं उठा सकता, बक्सा बच्चे के लिए इतना भारी था कि यह बच्चा इस बक्से को नहीं उठा सकता था। इसी बात को तो समझना है, रिमूवल ऑफ टू में नेगेटिव मीनिंग निकलता है क्योंकि ये नेगेटिव है, जो टी डबल ओ टू बड़े पापा है, नेगेटिव है, प्योर नेगेटिव। उसके बाद नेगेटिव मीनिंग रखता है द बॉक्स वॉज टू की जगह सो, उसके बाद हैवी, हैवी मीन होता है भारी भरकम, उसके बाद लगाया दैट फॉर दिस बॉय, तो यहां पर मैंने सीखा आई ही सी नाउन की जगह नाउन, तो दिस चाइल्ड दिस बॉय की जगह दिस बॉय, या लिखी पास्ट की वर्ब तो कुड नॉट, या कुडंट लिफ्ट इट, इसे नहीं उठा सकता, किसे नहीं उठा पाएगा, तो इस बक्से को नहीं उठा सकता है। उसके बाद लिखा है द क्राउड वॉज टू लार्ज फॉर द पुलिस टू कंट्रोल, भीड़ इतनी भारी थी, इतनी ज्यादा थी, इतनी विशाल थी पुलिस के लिए कि पुलिस उसे कंट्रोल नहीं कर पाई, पुलिस भी उसे नहीं थाम पाई, बहुत लोग थे। तो यहां लिखा है द क्राउड वॉज सो लार्ज दैट, किसके लिए? पुलिस के लिए, तो द पुलिस कुडंट कंट्रोल इट। अब इसके लिए हम इट लिखेंगे क्योंकि भीड़ को यूनाइटेड सेंस में देखा गया है, अगर डिवाइडेड सेंस में देखा जाता तो हम देम लिखने का प्रयास करते। तो इसी वीडियो में एक और टाइप को भी डिस्कस करते हैं, इसे आप कंठस्थ कर लीजिए। तो फिर अब आगे इसी वीडियो में सीखेंगे कि टाइप फोर क्या कहता है। टाइप थ्री के बारे में हमने सीखा, अब टाइप फोर को भी समझ लीजिए। टाइप फोर क्या है? तो सबसे पहले हमें यह सीखना है इन्फिनिटिव का पैसिव। इन्फिनिटिव का पैसिव, इन्फिनिटिव का पैसिव क्या होता है? इन्फिनिटिव आपको मैंने बताया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है एक्टिव इन्फिनिटिव या एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बन गया एक्टिव इन्फिनिटिव, मानी टू प्लस बी वन से बन गया। अब जब इसका पैसिव बनाएंगे तो टू बी प्लस बी थ्री, टू बी प्लस बी थ्री, टू बी प्लस बी थ्री। एग्जाम्पल देखें, टू सॉल्व टू प्लस बी वन एक्टिव फॉर्म, टू बी सॉल्व पैसिव फॉर्म, टू क्लाइंब एक्टिव फॉर्म, टू बी क्लाइंब पैसिव फॉर्म, टू बी क्लाइंब पैसिव फॉर्म, टू कंट्रोल एक्टिव फॉर्म, क्योंकि टू प्लस बी वन होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव इन्फिनिटिव होती है, इसे हम सिंपल इन्फिनिटिव भी कहते हैं। पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो टू बी प्लस बी थ्री, ये पैसिव इन्फिनिटिव हो गया। अब सेंटेंस टाइप फोर क्या कहता है कि जब सेंटेंस का कर्ता नॉन लिविंग हो, ये नॉन लिविंग का तीसरा टाइप है। जब सेंटेंस का कर्ता नॉन लिविंग हो, मेरे बच्चे जब सेंटेंस का कर्ता निर्जीव हो, तो पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव का प्रयोग और वाक्य में पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव का प्रयोग हो। कैसे बनाएंगे समझने का प्रयास करें। लिखा है इट इज टू हार्ड, कोई भी चीज है या इतनी ज्यादा हार्ड है, टू बी ब्रोकन, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, तोड़ने वाला कोई और है, क्योंकि पैसिव हमने सीखा है, एक्टिव पैसिव हमने पढ़े हैं, और हमने वहां सीखा है कि एक्टिव वो होता है जिसमें डूअर आगे लिखा रहता है,
पैसिव वो होता है इसमें ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट बनाया जाता है। और यहां पर देखो टू बी प्लस बी थ्री से पैसिव फॉर्म इंफिनिटिव लिखी गई है, तो हम पैसिव फॉर्म ऑफ इंफिनिटिव को पैसिव फॉर्म में ही बनाएंगे। जैसे कि लिखा है इट इज टू बी जगह सो हार्ड सेम प्रोसेस दैट। अब यहां से थोड़ा परिवर्तन होगा, पहले हमने सीखा बन या बी लगाएंगे, फिर हमने सीखा किस तरीके से फॉर्मी होगा तो आई, फॉर्म होगा तो ही, फॉर हर होगा तो सी। अब हम यहां सीखेंगे कि यहां पर इट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्या बात हो गई ऐसी? तो ऐसी बात ये हो गई कि यहां देखिए द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट सॉल्व इट। इसका अगर हमसे पैसे में पूछ लिया जाए तो इज सो डिफिकल्ट, ये तो लिंकिंग वर्ब हो गई, इसका तो पैसे बनेगा नहीं। पैसे बनेगा इस वाले वाक्य का, पीछे वाले वाक्य का। तो हम जब पैसे बनाएंगे तो द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट, इस इट को आगे ले आएंगे, इट कैन नॉट का हो जाएगा कैन नॉट बी, कैन नॉट बी, और सॉल्व का हो जाएगा सॉल्व, क्या हो जाएगा सॉल्व। तो ये इट कहां से आया, तो ला बच्चे ये इट जो है वो कहां से आया, ये ऑब्जेक्ट को ही तो आगे लाया जा रहा है, क्योंकि नॉन लिविंग कर्ता का जो डूअर है, अगर नॉन लिविंग डूअर है तो फिर हम काम किसी और से करवाते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है वहां इट आता था। अब पैसिव जब बना रहे हैं, पैसिव फॉर्म ऑफ इंफिनिटिव का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसी ऑब्जेक्ट को आगे लाना पड़ा, और जब आगे लाना पड़ा तो आगे आ गया इट। अब पैसिव में बनेगा क्योंकि पैसिव फॉर्म ऑफ इंफिनिटिव है, तो यहां लिखी है, यहां पर लिखा हुआ है इज, तो हमने लिख दिया कैन नॉट बी, कैन नॉट बी ब्रोकन, कैन नॉट बी ब्रोकन। यहां कोई चेंज हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, टू के हटाकर दैट लिखा, उसके बाद इट लिख दिया और बी ब्रोकन लिखा है, तो कैन नॉट तो हम वैसे भी लिखते थे, बी ब्रोकन यहां लिखा हुआ है, सेम पहले जैसा नियम हो गया, बस यहां पर इट आ गया, यहां पहले बन आता था, अब बन कहां चला गया पीछे, क्योंकि वो बन गया पैसिव का ऑब्जेक्ट, एजेंट बना दिया हमने पीछे ले जाकर उसे। उसके बाद लिखा था वाटर इज टू इम्प्योर, जो पानी है वो इतना अशुद्ध है, टू बी ड्रंक, इसे पिया नहीं जा सकता है, तो द वाटर, द वॉटर इज सो इम्प्योर, सो इम्प्योर दैट। अब टू बी ड्रंक है, पैसे फॉर्म इंफिनिटिव है, उसका पैसे भी बना देंगे, इट कैन नॉट बी ड्रंक, ड्रंक बी थ्री होती है, ड्रंक होती है बी थ्री, तो पैसे पैसे यहां भी था, पैसे यहां भी बना दिया, ऊपर एक्टिव था तो नीचे एक्टिव बनाते थे, फिर एक्टिव इंफिनिटिव लगाया था तो हम एक्टिव फॉर्म लगा देते, नीचे एक्टिव बनाते थे, पैसे फॉर्म लगाई तो पैसे बनाना पड़ा। द स्पेक्टेकल वॉज टू हॉरिबल, स्पेक्टेकल जो दृश्य था वो इतना भयानक था, हॉरिबल भयानक, स्पेक्टेकल भी होता है दृश्य, लेकिन बच्चे याद रखना स्पेक्टेकल्स की अलग है, स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स जो होती है उसका मतलब होता है चश्मा, 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 तेनु काला चश्मा, वही वाला चश्मा है ये। स्पेक्टेकल वॉज टू हॉरिबल टू बी डिस्क्राइब, दृश्य इतना खतरनाक था, इतना भयानक था कि इसे डिस्क्राइब नहीं किया सकता, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तो हम लिखेंगे द स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल वॉज सो हॉरिबल, सो हॉरिबल दैट। अब इट से बनाएंगे इसे इट, अब यहां वॉज लिखा है तो वॉज का पैसिव बना, उसका पैसिव बना दो, कुड नॉट का, तो कुड नॉट बी डिस्क्राइब, कुड नॉट बी डिस्क्राइब। तो यहां पे हमने चार टाइप समझे, ये एक सवाल और रह गया है, ये आपके लिए होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आपको बनाना है रिमूव टू कॉम्प्लेक्स, इसका बनाना है आपको, इसका रिमूव टू बना के कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना है, मैं इसका सही उत्तर आपको वहीं पर बता दूंगा। अब यहां हमने चार टाइप समझे, इसी तरीके से सीरीज को बराबर चालू रखेंगे, और आप भी कॉपी और पेन उठाकर लग जाइए, परीक्षाएं निकट आ गई हैं, क्योंकि अगर आप अब परीक्षाओं से, अध्ययन से दूर भागेंगे तो मेरे बच्चे आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, आप इसी तरीके से अपना वक्त बर्बाद करते रहेंगे, रीले देखते रहेंगे, और वक्त निकलता चला जा रहा है,
और एक वक्त वो आएगा जब आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन बच्चों तक जो अब भी नहीं पढ़ रहे हैं और अब भी केवल रील देखने में अपना समय नष्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि प्रत्येक बच्चे तक जो 12th 10th की तैयारी कर रहा है उस तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।